पाती हैं। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो आई थिंक हर एक लड़की को ज़रूरत है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं तो आपको ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की। बहुत सारे हेजिटेशंस होते हैं एक लड़की में, यू नो दैट आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, मुझे थोड़े फियर्स हैं, मेरी पर्सनालिटी इवॉल्व नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है। सो इट्स बेसिकली ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इट्स अ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम जिस उद्देश्य से हम ये मास्टर क्लास रख रहे हैं कि हम इवॉल्व कर सकें सबकी पर्सनालिटीज को। एंकर महक धवन ने हाल ही में कॉल एक्सपी इवनी के तहत गुड़गांव के रामदा होटल में युवा पेशेवरों को न केवल व्यक्तिगत ब्रांड बनाने की कला के बारे में शिक्षित किया, बल्कि वे अपने कला कौशल के दम पर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कॉल एक्सपी प्लेटफॉर्म का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में भी अहम जानकारियां दी। बता दें कि एक एंकर के रूप में अक्षय कुमार, कंगना रनौत, ऋतिक रोशन, श्रद्धा कपूर, परिणीति चोपड़ा, संजय दत्त, अजय देवगन, कार्तिक आर्यन, तापसी पन्नू जैसे लोकप्रिय कलाकारों के साथ मंच साझा कर चुकी महक धवन बॉलीवुड की अधिकांश हस्तियों की पहली पसंद की एंकर मानी जाती हैं। इस मौके पर कॉल एक्सपी ने महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमन एम्पावरमेंट पर जोर देते हुए बताया कि आज की भारतीय महिलाएं किस प्रकार अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपना व्यक्तिगत स्टार्टअप चलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे सकती हैं। कॉल एक्सपी ने प्रभावी संचार की शक्ति पर जोर देते हुए दिखाया कि कैसे प्रत्येक पेशेवर महज 2 मिनट से भी कम समय में कॉल एक्सपी पर अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट बना सकता है और दर्शकों को अपने साथ जोड़ते हुए एक से एक मुफ्त या सशुल्क सत्र भी आयोजित कर सकता है। एक प्रसिद्ध MC और सेलिब्रिटी स्पीकर महक धवन द्वारा आयोजित इस मास्टर क्लास में हिस्सा लेने वाले युवा पेशेवरों ने कॉल एक्सपी के विजन के साथ खुद को जोड़ते हुए अपनी कला को सशक्त और प्रभावी बनाया। वे कॉल एक्सपी पर मास्टर क्लास के प्रमुख टेक अवे के रूप में अपने व्यक्तिगत ब्रांड स्थापित करने पर काफी प्रसन्न भी दिखे। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल। Thank you.